नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं हूँ, ये है आपका संबलगढ़ का क्षेत्र है, ये हरिद्वार जो है उसी में पड़ता है, चिड़ियापुर और इसके थोड़ा सा आगे है ये। ये देखिए, ये सब यहाँ पर जो हमारे जो वन गुज्जर होते हैं उनको ये जो जगह है वो आवंटित की गई है, तो यहाँ पर ये रहते हैं, ये है संबलगढ़ का बोलते हैं। और इसके जस्ट बगल में जो लगता है वो है गुज्जर बस्ती, उसमें भी गुज्जर ही रहते हैं, ये भी कुछ पूरा गुज्जर का है वो है। ये देखो, आज हम यहाँ आए थे देखने, तो ये है संबलगढ़ का क्षेत्र, अलग से इनको आवंटित किया गया। जो राजा जी नेशनल पार्क है वहाँ पर थे ये पहले, तो वहाँ से उनको हटा के यहाँ पर आवंटित किया गया है। यहाँ पर जो जंगल था उसमें इनको यहाँ पर बसाया गया है, तो ये है, ये एरिया है पूरा। देखो यहाँ पर इन्होंने अपने जो ये हैं मकान, जो ये छप्पर कहते हैं ना, वो बना रखे हैं। ये देखो, तो यहाँ पर ये रह रहे हैं, यहाँ पर ये खेती बाड़ी। देखो पहले तो वहाँ पर तो इनको से है, यहाँ पर ये खेती बाड़ी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और भैंस और जो इनका नॉर्मल जो काम होता है पशुपालन वो तो करते ही करते हैं, उसके साथ यहाँ पर ये खेती भी यहाँ पर कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया है, ये देखो, यह है संबलगढ़ वाला क्षेत्र, और से जस्ट बगल में जो है उसे कहते हैं गुज्जर बस्ती, वहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। तो ये सरकार द्वारा इनको यहाँ पर जो क्षेत्र जो आवंटित जो ये दिया गया है, ये दिया गया था। बाकी पहले ये राजा जी पार्क में थे, और जो राजा जी पार्क से इनको हटा, क्योंकि पार्क में जो जितने भी लोग रहते थे, गुज्जर लोग रहते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया था और यहाँ पर इनको बसाया गया था। तो यह है संबलगढ़ वाला क्षेत्र, ये देखिए आप। ये देखिए, अब मैं यहाँ गाड़ी में जा रहा हूँ, तो गाड़ी में आपको दिखाता हूँ ये इनके, ये देखो ये इनके छप्पर है मकान। यहाँ नहीं, लेकिन मुंजी लगा रखी इसने यहाँ किसी के ना, मिल जाएगी तो यहाँ पर मिल जाते हैं।